सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ F3 बटन का एड ऑन। अगर आपको नहीं पता F3 क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप जावा एडिशन में F3 बटन दबाते हो तो आपके सामने सारे कोऑर्डिनेट्स, आपके सामने पूरी वर्ल्ड की जानकारी आ जाती है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सब चीजें आ जाती है, आपको पता ही होगा कि। और ये F3 बटन दबाने से होता है। तो आज की वीडियो में मैं गाइस यही एड ऑन लेके आया हूँ कि आप कैसे अपने पॉकेट एडिशन में F3 बटन एनेबल कर सकते हैं, कैसे एनेबल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरह से F3 बटन वर्क कर रहा है। अभी मेरे में पूरी बता नहीं रहा क्योंकि मेरे थोड़ा बहुत फोन थोड़ा सा लो एंड डिवाइसेस है इसलिए, और ये थोड़ा बहुत लैग भी करता है लो एंड डिवाइसेस के लिए। अगर आपके पास मीडियम रेंज का मोबाइल है तो उसमें अच्छी तरह वर्क कर जाएगा। और गाइस बहुत लोग कहते हैं कि जो भी मैं चीजें बताता हूँ वो वर्क नहीं करती है, तो गाइस पहले आप गाइस पूरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको पता लगेगा कैसे वर्क करता है, कैसे ये सब चीजें चलती है। पहले वीडियो देख लीजिए, तब आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता लग जाएगा। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो गाइस अब भी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिली हुई है उसको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइस आप इस पेज पे आ सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें गाइस आपको सबके सब वो एड ऑन मिल जाते हैं, सबके सब जो भी आप चाहते हैं, और ये ऑफिशियल साइट है, इसमें से आप जो भी चाहते हैं एड ऑन सब मिल जाता है। और यहीं से गाइस आप डाउनलोड भी करिए। अगर गाइस आपको डाउनलोड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्कॉर्ड का भी लिंक नीचे आप जाके ज्वाइन कीजिए और मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो आपको सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जो जो गाइस मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो आप करते रहिए, स्किप मत करना वीडियो को, वरना बहुत चीज़ें मिस हो जाएंगी। और थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखना। तो आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स आई हुई हैं जो कि आपको बताती है कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड्स आ गया, यहाँ पे MC एड ऑन फाइल्स आ गया, आपको इस पर क्लिक करना है। और ये देख सकते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लिंक है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखेगा क्योंकि बहुत सारे ऐड आ जाते हैं जिसके कारण आपके फोन में वायरस भी आ सकता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको सिंपली करना है इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक वेबसाइट भेज दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री एक्सेस का आ रहा है। आपको करना क्या है, सिंपली क्लिक कर देना है। अभी गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डायरेक्ट ओपन हो चुका है, बिकॉज जो मैंने जो इनके स्टेप्स है वो मैंने फॉलो कर लिए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे गाइस आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी मेरे को डायरेक्ट अपने लिंक पे भेज दिया है ताकि मैं डाउनलोड कर लूँ। पर गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये डायरेक्ट लिंक नहीं देगा। सबसे पहले कोई आपको स्टेप करने को कहेगा, वो आप स्टेप पूरा कीजिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे को जरूर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो सिंपली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसे, और यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। अब गाइस आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, मेरे ख्याल से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन होगी, आपने नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है ZRCP। 1-2 MB की अगर नहीं डाउनलोड की तो कर लो, इसी से बाकी चीज़ें भी होती हैं, आप कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे फाइल। सिंपली आपको करना इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ओपन करना, डाउनलोड्स में जाना। अगर आपका कहीं और डाउनलोड्स होता है तो वहाँ पे जाना, डाउनलोड का डाउनलोड होता है वहाँ पे जाना। फिर उसका यहाँ पे सर्च करना जावा, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3-3 फाइल आ चुकी है, क्योंकि मैंने इनके पुराने वर्जन भी ट्राई किए थे पर पुराने वर्जन थोड़ा सा ग्लीची था। मैं आपको फिर से दोबारा करके दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली करना का ये जो आ रहा है तो देख सकते हैं आप, पहले नंबर पे आ रहा है, आपको कोई भी आ सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ होल्ड प्रेस करके, ये वाला फाइल होगा। आपको करना क्या है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है। इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि डाउनलोड्स में मेरे ख्याल से बहुत सारी फाइलें होते हैं जिसके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मिलते नहीं है। सिंपली आपको करना है कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे गेम्स का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हो तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिर से, तो यहाँ पे देख सकते हैं हो चुका है। आपको करना क्या है, इस पर आप फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रेट हेयर कर देना है। एक्सट्रेट होने के बाद मैंने ऑलरेडी किया, फिर दोबारा कर देता हूँ मैं, रिप्लेस कर देता हूँ। देख सकते हैं रिप्लेस हो चुका है। आप सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आ चुका है एक फोल्डर, और ये वाला फोल्डर आ चुका है। अभी आपको करना क्या है, इस पर होल्ड करना है, इसे कर लेना कट। com.mojang पे जाना, बिहेवियर पैक को बिहेवियर पैक में पेस्ट कर देना। यहाँ पे मैं ऑलरेडी किया पर मैं फिर से कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं बी वाला फोल्डर आएगा बिहेवियर पैक में, और आर वाला फोल्डर आएगा रिसोर्सेज पैक में। सिंपली आपको यहाँ पे कट करना है, रिसोर्सेज पैक वाला ये वाला है, इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया तो फिर से कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस अपना हो चुका है। आप सिंपली आपको करना क्या है, हम गाइस सिंपली अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेना। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया, तो अपना फटाफट से आप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा था, तो मैं आपको फिर से एक बारी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको रिसोर्सेस पैक में जाना है और इसे एक्टिवेट कर देना, और बिहेवियर पैक में भी ऑटोमेटिकली आपको एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको बस कुछ नहीं करना है, क्रिएट कर लेना है या फिर प्ले कर लेना है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो चुका है अपना रिसोर्सेस पैक और बिहेवियर पैक।
और अभी गाइस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत इसमें ग्लिच भी हो जाता है कई बार, इसे अभी अच्छी तरह बनाया नहीं गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो नहीं बता रहा है, पर ये गाइस थोड़ी देर में फिक्स हो जाता है। तो सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब कुछ वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे मैं फेसिंग भी बता रहा है कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ये सब भी बता रहा है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें अगर आपको बटन हाइड करना है या फिर ये F3 बटन है, अगर आपको इसे सिंपली ये डीएक्टिवेट करना है तो F3 बटन दबा दीजिए और ये आपका सिंपली जो हो जाएगा डीएक्टिवेट। अगर गाइस आपको ये F3 बटन रिमूव करना या फिर दिखाना नहीं है तो सिंपली आपको करना क्या है, हाइड बटन का रिसोर्सेज पैक लगा देना है, जिससे गाइस आपका सब कुछ हाइड हो जाएगा। यहाँ पे बटन भी हाइड हो जाता है, आपको पता ही होगा कि अगर हाइड बटन लगा देते हैं तो सब कुछ हाइड हो जाता है, और ये भी हाइड हो जाएगा तो फिर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत इसमें ग्लिचेस भी होता है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ये लो एंड डिवाइसेस में लैग भी करता है। अगर गाइस आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है डाउनलोड करने में या फिर ये वर्क नहीं हो रहा है, तो गाइस मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पर गाइस मेरे को बता देना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्कॉर्ड की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मेरे को जरूर बताना। तो फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जाने से पहले गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।